इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैनेजमेंट ऑफ चेंज लिखा हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, यही सब्जेक्ट है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ये महत्वपूर्ण बुक बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है, जिसका प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न 15 मार्क्स का कम से कम टारगेट किया जाता है, और कई बार इसको लगभग हर वर्ष इसको देखा जाता है आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट ऑफ चेंज, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ चेंज। यहां पर लिखा गया है कि आप परिवर्तन से क्या समझते हैं। जो मैनेजमेंट अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करता है, तो उस परिवर्तन का वजह क्या है और इसका मतलब क्या है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इसका मतलब होता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कीप हार्मनी विद द एवर चेंजिंग एनवायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, इसका मतलब हुआ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जीवित रहने के लिए अपने आप में परिवर्तन जरूरी होता है कि वो समय के हिसाब से करे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द अनरिटन बट द रेडिकल रूल ऑफ दिस गेम, चेंजिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड थ्रीट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम चेंज की बात करते हैं, तो यह बहुत अधिक मात्रा में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन सही सही काम ना कर पा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को यानी संगठन को जरूरी होता है कि वह अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन करे। परिवर्तन एक्सटर्नल और इंटरनल यानी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से करना पड़ सकता है। सिंस दीज डिमांड्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजेज, कुछ मेन पॉइंटों पर हम ध्यान देंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे हम इसको बता करके, और जो पॉइंट्स इसमें हमें दिखाई देंगे जो महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में आपको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके बारे में अपने शब्दों में बयान करता हूं। मैं बताता हूं कि इसमें परिवर्तन प्रतिरोध का मतलब परिवर्तन आखिर है क्या। जब किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में किसी कारणवश ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन होता है, चाहे वो टेक्निकल परिवर्तन हो, एनवायरमेंटल परिवर्तन हो, या ऑर्गेनाइजेशनल परिवर्तन हो, या फंक्शनल परिवर्तन हो, इस प्रकार से अगर कोई भी परिवर्तन होता है, तो जो वहां के कर्मचारी लोग होते हैं वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आखिर यह परिवर्तन क्यों हो रहा, उनको बहुत सारी अपनी ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ ये परिवर्तन हो रहा है। आखिर उनको ऐसा क्यों महसूस होता है, आखिर वह परिवर्तन का जो परिवर्तन होता है उसका विरोध क्यों करते हैं। तो आज हम जानेंगे आखिर परिवर्तन का विरोध क्यों होता है, और आखिर इस परिवर्तन के विरोध की मुख्य वजह क्या है, और फिर इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर हम देखेंगे आखिर परिवर्तन का वजह क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है रीजन फॉर चेंज, इसका मतलब है परिवर्तन जो होता है वह किस वजह से होता है। पहला कारण है एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी कारण, ऐसे कारण जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि बाहरी कारणों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करना पड़ता है। पहला कारण उसमें आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, इसका मतलब होता है जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या कंपनी कारखाना अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती है, या उनको अपनी टेक्नोलॉजी अपने यंत्र मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए काफी लंबा समय हो जाता है, और आने वाला समय जो कि मॉडर्नाइज का हो जाता है, और लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए गए होते हैं, तो इस कंडीशन में
उस ऑर्गेनाइजेशन को पुरानी टेक्निक को हटा करके, उस टेक्नोलॉजी को हटा करके नई टेक्नोलॉजी को स्थापित करना होता है। इस प्रकार से तकनीकी परिवर्तन, इसका नाम है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, माने होता है इसका मतलब है तकनीकी परिवर्तन, यानी टेक्नोलॉजी में जब परिवर्तन होता है तो इसका विरोध वर्कर लोग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जो काम हम कर रहे हैं वो काम टेक्नोलॉजी करेगी तो हमें निकाल दिया जाएगा, इसलिए इसका भय उनको सताने लगता है। और इस प्रकार से दूसरा कारण हो सकता है चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, कभी कभी बाजार की जो परिस्थितियां होती हैं वह भी परिवर्तन का कारण बनती है। और परिवर्तन का जब कारण बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने मार्केट बिहेवियर और कस्टमर की डिमांड को रखते हुए अपने प्रोडक्ट को किस तरह मेंटेन करना है, किस प्रकार का उत्पादन उनको बनाना है जिसकी वजह से मार्केट में जो कस्टमर हैं वह उनके प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में परचेज करेंगे, यही बात ध्यान में रखते हुए उनको मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करने की संभावना महसूस होने लगती है। यह परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मजदूरों के विरोध में महसूस होती है, उनको ऐसा फील होता है कि इससे हमारे फ्यूचर पर कोई न कोई असर पड़ेगा, इसलिए वो इसका भी विरोध करने लगते हैं। यहां हम पढ़ रहे हैं आखिर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस वजह से परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। अगला कारण है सोशल चेंज, ये सोशल चेंजेज यानी सामाजिक परिवर्तन, ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा ये था चेंज इन मार्केट कंडीशन यानी बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट है सोशल चेंजेज यानी सामाजिक परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं वे अपने दिनचर्या के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपने जिस प्रकार से उनके एस्पिरेशंस होती है, जिस प्रकार से वो नीड करते हैं, अपना काम करना चाहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहते हैं, जिस समाज में वो लोग रहते हैं उस समाज के हिसाब से, उस स्थान के हिसाब से उन वस्तुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है जो वस्तुएं वहां के माहौल के हिसाब से जरूर उनको रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर बात की जा रही है सामाजिक परिवर्तन से, सोशल चेंजेज रिफ्लेक्ट्स इन टर्म ऑफ पीपल्स और एस्पिरेशंस, देयर नीड्स एंड देयर वे ऑफ वर्किंग। सोशल चेंजेज हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल फोर्सेज लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, फीलिंग ऑफ ऑटोनोमी एंड इंटरनेशनल इम्पैक्ट ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। दीज सोशल चेंजेज अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, therefore it is required to make adjustment in its working so that it matches with pupil। इसका मतलब है सामाजिक परिवर्तन, समाज में रहने वाले लोगों के अनुसार, अगर समाज में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जब वस्तुओं की डिमांड करते हैं तो कंपनियों को, फर्मों को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उत्पादकों को, यानी जो प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको उनकी आवश्यकताओं का ध्यान में रखना होता है और इस प्रकार से उनको हर प्रकार के स्तर पर लोगों का ख्याल रखना होता है और उसके अनुसार अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वह ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, बंद तो करना नहीं है, इसलिए उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम वही माल मैन्युफैक्चर करें जो कस्टमरों के अनुरूप हों। इसके बाद आता है पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेज, कभी कभी राजनैतिक और कानूनी परिवर्तन भी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज का कारण बन जाते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स ब्रॉडली डिफाइन द एक्टिविटीज व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरटेक एंड द मेथड्स व्हिच विल बी फॉलोड बाय इट इन एकॉम्प्लिशिंग दोज एक्टिविटीज। कभी कभी राजनैतिक और कानूनी प्रक्रियाएं जो उथल पुथल होता है, जैसे एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, पहली सरकार ने जो रूल रेगुलेशंस बनाए होते हैं, दूसरी सरकार आ जाती है तो वह उस रूल रेगुलेशंस में कुछ परिवर्तन करने लगती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने जीएसटी के बारे में देखा था। इससे पहले टैक्स का सिस्टम दूसरा था, जीएसटी आने के बाद टैक्स बदलने लगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इस प्रकार से ये चेंज हो गया।
पहले वैट संशोधित हुआ, फिर आकर के जीएसटी संशोधित हुआ, अभी जीएसटी में बहुत सारा संशोधन बाकी भी बताते हैं। तो इस प्रकार से प्रोड्यूसर्स लोग जो होते हैं अपनी वस्तुएं सेवाएं जब निर्माण करते हैं तो उनका इस प्रकार की पॉलिटिकल चेंजेस से बहुत असर पड़ता है, इसकी वजह से भी उनको ऑर्गेनाइजेशनल परिवर्तन करना पड़ता है। और ये परिवर्तन कहीं न कहीं वर्करों को, कर्मचारियों को उनके गले नहीं उतरती और वो लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हो ना हो हमारे साथ कुछ न कुछ अन्याय जरूर हो रहा है, यह उनके विरोध का कारण बन जाता है। आगे बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातों पर आधारित है। ये जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ा था इसमें ऑर्गेनाइजेशन की कोई वजह नहीं होगी, इसमें सारी वजह सारे रीजंस बाहरी होंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, चेंजेज इन मार्केट कंडीशंस एंड सोशल चेंजेज एंड पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेज, ये चार कारण ऐसे हैं जो कि बाहरी हैं। और अब हम बात करेंगे आंतरिक कारण, आखिर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कौन सा कारण है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। पहला कारण है चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल। यदि प्रबंधकीय कर्मचारियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन पुराने, जैसे सपोज करिए पुराने मैनेजर लोग हैं उनको हटा के नए मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया, तो वहां पर वर्किंग कंडीशन थोड़ा बदल जाता है। पुराना मैनेजर किस दिमाग का था, नया मैनेजर आ गया वो कौन से दिमाग का है, वह आकर के किसको निकालेगा, किसको प्रमोशन देगा, यह पता नहीं रहता, तो वर्कर लोग इसका विरोध करते हैं, सोचते हैं इसको हटाएंगे, नए वाले को लाएंगे, नए वाला हो ना हो हमारी अगर थोड़ी बहुत कमी होगी हमें निकाल के बाहर भगा देगा, इस डर से वह उसका विरोध करने लगते हैं। ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पुराना ही मैनेजर रहना चाहिए, तो यह विरोध का कारण बन जाता है जो कि इंटरनल है। अगला कारण है डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूदा समय में व्यवहार होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो क्रियाकलाप होता है, जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है, उनमें किसी न किसी तरीके से कमी आ जाना। समटाइम्स चेंजेज आर नेसेसरी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट एंड प्रोसेस। यदि मौजूदा समय में ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन, मतलब जो भी हालात होते हैं तुरंत वाले समय में यानी वर्तमान समय में, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी आती है तो उस कमी को दूर करने का काम करने शुरू हो जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कमी है तो भाई हर कंपनी दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी कमी दूर करने की वजह से यदि किसी प्रकार के कर्मचारियों का अगर वहां पर शोषण होता हुआ नजर आता है तो कर्मचारी लोग उसका तुरंत विरोध करने लगते हैं, क्योंकि दीज डेफिशिएंसी मे बी इन द फॉर्म ऑफ अनमैनेजेबल स्पान ऑफ मैनेजमेंट, लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, लाइक इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेकल्स इन द कम्युनिकेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमेटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी डिसीजन, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एंड सो ऑन। इसका मतलब है इसकी वजह से जब ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन होने लगेगा तो चाहे मैनेजमेंट के लेवल पर हो और सारे मैनेजर भरे जाएं, उससे अलग अलग डिपार्टमेंट में उथल पुथल होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो काम करने वाले जगह है, स्थान है, पोजीशन है, पद है, वे सब प्रभावित होंगे। इसलिए कर्मचारियों को यह चीज पसंद नहीं आता है और कर्मचारी फिर इसी चीज का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो रीजन है जिसकी वजह से परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन जब होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका विरोध कर्मचारी लोग भी करते हैं। अब क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि एक्सप्लेन व्हाई डू पीपल रेसिस्ट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट इन एन एजेंट ऑफ चेंजेज। इसका मतलब हुआ कि लोग परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी जो परिवर्तन, जो चेंजिंग हमने ऊपर देखा था जिसकी वजह से परिवर्तन हो रहा था, उसका विरोध आखिर क्यों करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे इसके कारणों पर, आखिर वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज लोग आखिर विरोध करते हैं। पहला है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक से हमारा मतलब होता है धन संबंधी कारण, यानी जहां पर उनको अपने पैसे, अपने तनख्वाह, अपनी सैलरी, अपने वेतन, अपनी मजदूरी का खतरा नजर आता है तो वहां पर इकोनॉमिक रीजन पैदा होता है। पहला रीजन है यहां पर फियर ऑफ रिडक्शन
इन एम्प्लॉयमेंट, यदि उनको यहां पर इस बात का भय हो जाता है कि मेरी जो रोजगार है, मेरा जो रोजगार है, मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है, हो ना हो इस परिवर्तन से प्रभावित होगा और मेरा रोजगार यहां से छिन जाएगा, या मेरे काम करने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या मेरे काम करने का तरीका बदल जाएगा, यू विल थिंक दैट देयर विल बी ए कट इन देयर एम्प्लॉयमेंट, आई दे विल नॉट बी एबल टू कोप विद द चेंजेस। इस वजह से उनको ऐसा महसूस होता है कि इस परिवर्तन से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और उनकी जो मजदूरी है वो कहीं न कहीं कट जाएगी और प्रभावित होगी, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डर। कभी कभी परिवर्तन और नई नई टेक्नोलॉजियों के आने से इम्प्लॉयज को लगता है कि मेरी नौकरी यहां से चली जाएगी, क्योंकि जो काम पहले कर्मचारी लोग कर रहे थे उस काम को मशीनें करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी करेगी, इसलिए मेरा यहां पर अब जो है दाल गलने वाली नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए इसको विरोध करें और नई टेक्नोलॉजी को लाने ना दें, जिसकी वजह से हमारी रोजगार छिन जाएगा, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं, उनका डर हो जाता है अपने रोजगार को जाने का। अगला है फियर ऑफ डिमोशन, कभी कभी कुछ इम्प्लॉयज को इस बात का भय हो जाता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में नए स्किल्स के लोग आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी या कुछ नया परिवर्तन होगा, तो हमारी जो पोजीशन है इस पोजीशन में कमी कर दी जाएगी, हमारी पोस्ट को प्रमोशन के बजाय डिमोशन में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। फियर ऑफ वर्कलोड, कभी कभी परिवर्तन होने से या टेक्नोलॉजी परिवर्तन होने से या किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन होने से इम्प्लॉयज को ऐसा महसूस होता है कि उनका जो कार्य का भार है पहले हल्का है, अब इस वाले परिवर्तन से ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य का भार होगा, वर्कलोड होगा, वह उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। पहले कम काम करना पड़ता था, ज्यादा पैसे मिलते थे, अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैसे कम मिलेंगे। इस वजह से यही एक कारण होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के परिवर्तन का विरोध खुलकर करने लगते हैं। अगला है पर्सनल रीजन, ये वो कारण है जो व्यक्तिगत कारणों में शामिल होता है, इसे हम व्यक्तिगत कारण कह सकते हैं, यानी एक वर्कर के या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनली जिसकी वजह से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और यहाँ पर उसका विरोध उत्पन्न होता है। नीड ऑफ ट्रेनिंग एक्सेट्रा इफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन नेक्सेसिटीज ट्रेनिंग। दूसरा कारण है प्लानिंग फॉर चेंज, जब इस प्रकार की कभी भी चेंजिंग की जाए, तो यहां पर लिखा है प्लानिंग फॉर चेंज, यानी कि जब भी चेंजिंग की जाए एक अच्छे तरीके से प्लान किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग की जाए, उसके बाद परिवर्तन किया जाए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी वर्कर विरोध में खड़ा ना हो, ना ही किसी के बारे में लॉस हो, ना ही किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस हो। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट इम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक लॉस, लॉस इन स्टेटस और पर्सनल डिग्निटी। इफ दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट टू चेंज विल बी वेरी लो। ऐसी परिस्थिति में मैनेजमेंट को यह चाहिए होता है कि मैनेजमेंट इम्प्लॉयज के हितों की रक्षा करे, अगर उनको किसी तरीके से लॉस है तो उसके बारे में व्यक्तिगत तौर पर उनके किसी भी अहम को नष्ट ना करे, उनको पूरी तरह से सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करे। चौथा कारण है, इसको दूर करने का मतलब तरीका है ग्रुप डायनामिक, ग्रुप डायनामिक रेफर्स टू द एवर चेंजिंग इंट्रैक्शन एंड एडजस्टमेंट इन द म्यूचुअल परसेप्शंस एंड रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप्स सच ग्रुप्स इंट्रैक्शंस आर द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट विच फैसिलिटेट्स आर इनहिबिट अडाप्टेशन टू चेंज। इसका मतलब होता है क्योंकि परिवर्तन ग्रुप डायनामिक परिवर्तन होता है, यानी कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर लेकर चलना होता है, इसलिए सबका एडजस्टमेंट सबके बारे में सोच करके ही
आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी प्रकार का मेंबर जिसका रिलेशन अगर हमने सही नहीं बनाया है और उसको हमने ध्यान नहीं किया है और ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन किया है तो वह उसका विरोध जरूर करेगा। इसलिए जरूरी है कि सभी के इंटरेक्शन को मजबूती से बनाया जा सके, जो कि बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उस चेंज को एडॉप्ट कर सकते हैं। अगला होता है कॉशंस एंड स्लो इंट्रोडक्शन। कभी कभी हमें सावधान रहना पड़ता है कि आखिर द मैनेजमेंट शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंज एट वंस एंड एब्रप्टली। इसका मतलब है मैनेजमेंट को कभी भी किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक परिवर्तन करने से ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जब पता नहीं होता है तो उसका विरोध स्वाभाविक है कि जरूर होगा। इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव फॉर द मैनेजमेंट टू बिल्ड इन हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड अवेयरनेस टू चेंज एंड एन एबिलिटी टू फोरकास्ट इट एंड ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट एन एटीट्यूड ऑफ वेलकमिंग चेंज। चेंजेज मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स इफ पॉसिबल, द रिजल्ट्स मस्ट बी रिव्यूड एंड रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन इट। यहां पर इसका मतलब होता है कि हमें सावधानी से स्लो इंट्रोडक्शन करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, एकदम से अचानक ना हो, उसके बारे में उसका फीडबैक, उसका रिस्पॉन्स स्लो स्लो करके लेना चाहिए। इसका मतलब है आराम से धीरे धीरे परिवर्तन करें और उस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जरूर चेक करते रहें। उसका रिजल्ट ही फायदेमंद होगा। यदि अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा तो वह नुकसानदायक हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन। जब भी मैनेजमेंट को चाहिए कि वह किसी प्रकार की पॉलिसी को बदले तो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन को अपनाना होगा। निगेटिव जो होता है वो हमेशा रेसिस्टेंट करेगा, यानी विरोध करेगा। अर्थात यह जरूरी है कि कोशिश किया जाए मैनेजमेंट के द्वारा कि वह किसी भी इम्प्लॉयज के जॉब को, किसी भी इम्प्लॉयज के फ्यूचर को, उसके वर्क को, मजदूरी को प्रभावित ना करे। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उस इम्प्लॉयज को उसके हितों की रक्षा की जाए, जिससे उसे किसी प्रकार से अपने जॉब पर, अपने फ्यूचर पर ऐसा महसूस ना हो कि वह कहीं न कहीं लॉस में इस परिवर्तन की वजह से हो रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन का विरोध उस वर्कर से होने लगेगा। इसलिए उसको भी ध्यान में रखना होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से क्या इम्प्लॉयज के ऊपर किसी प्रकार का अप्रिय प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद आता है शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ चेंज। इसका मतलब होता है यदि हमने कोई परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ है तो उस फायदे को सभी में शेयर करना जरूरी है। यदि इम्प्लॉयज को लगेगा कि इसके परिवर्तन से, ऑर्गेनाइजेशन के परिवर्तन से, ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन से कुछ भी फायदा ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है तो उसको मुझे क्या मिला, इसलिए उस फायदे से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फायदा होता है उसका बेनिफिट इम्प्लॉयज में भी बंटना चाहिए। यदि वो इसको प्राप्त करेंगे तो वे इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां आपने पूरा रेसिस्टेंट प्रोसेस पूरा समझा है, रेसिस्टेंट बाय इम्प्लॉयज समझा है, और यहां पर उसके रीजंस पढ़े हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े हैं। तो आपने यह 15 नंबर का प्रश्न पढ़ा है, इसको दोबारा सुनेंगे और अच्छी तरह से इसको जरूर याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन में बहुत बार इसको देखा गया है और यह आप इस बार फिर देखेंगे। फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यहां पर इस बारे में यह कहा जाता है कि यदि इम्प्लॉयज को ऐसा महसूस होता है कि उनको मौजूदा हालात में जिस पोजीशन में वो काम कर रहे हैं उनको और रिफ्रेश होने की और ट्रेंड होने की आवश्यकता है। अगर यह कमी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूर की जाने लगती है तो वे उसका विरोध करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो हमसे ज्यादा काम करवाया जाएगा। ये डर उनके विरोध का कारण बन जाता है। अगला है बोर्डम एंड मोनोटोनी। इसका मतलब क्या है? इफ द प्रपोज्ड चेंज इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू ग्रेटर स्पेशलाइजेशन रिजल्टिंग इन बोर्डम एंड मोनोटोनी, इट मे आल्सो बी रेसिस्टेंट बाय पीपल। कभी कभी यह परिवर्तन यदि वर्करों, कर्मचारियों को बोर कर रहा हो या अधिक मात्रा में उनको पसंद ना आ रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में भी वे उसका विरोध करने लगते हैं कि आखिर ये
बोरियत वाला परिवर्तन क्यों किया गया, इससे तो हम पहले ही मजे में थे, अब हमें बेकार बना दिया, आलसी बना दिया, निकम्मा बना दिया है। वे उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि जैसे पहले था ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही होना चाहिए, बल्कि ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे अब परिवर्तन करके कर दिया है, इसमें हमारे पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में वे उसका विरोध करते हैं और पूर्व अवस्था में आने के बारे में विरोध करते हैं कि उसको पूर्व अवस्था में लाइए। अगला है नो पार्टिसिपेटिंग इन चेंज। कभी कभी इम्प्लॉइज को जब भागीदारी परिवर्तन में नहीं की जाती है, यानी यदि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लोग अगर कर्मचारियों से कोई प्रकार का अगर ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तन करते हैं और उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, तो वही कर्मचारी लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं और वे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं और उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है सोशल रीजन, सामाजिक कारण। ऐसा कौन सा कारण है, तीसरा कारण है ये, जिसकी वजह से परिवर्तन प्रतिरोध यानी कर्मचारियों के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है परिवर्तन का। इसमें है पहला नीड फॉर न्यू सोशल एडजस्टमेंट। यदि हमें नए सामाजिक सामंजस्य की स्थापना या समन्वय करने की स्थापना महसूस हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति परिवर्तन करने पर वे आमादा हो जाते हैं और उनका विचार ये होता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिक्वायर्स न्यू सोशल एडजस्टमेंट विद द ग्रुप वर्क सिचुएशन एंड न्यू बॉस एक्सेट्रा। All individuals are not ready to accept these challenges. Some people refuse even promotions due to this reason only as they will have to no break of their present societies. इसका मतलब क्या होता है? इस परिस्थिति में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई एक नए सामाजिक एडजस्टमेंट को पसंद करता है, नए ग्रुप ऑफ एनवायरमेंट को पसंद करता है और नए बोस को पसंद करता है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परिवर्तन में यानी उस एडजस्टमेंट को तो महसूस करते हैं, हाँ ये जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस एडजस्टमेंट से यानी उस एडजस्टमेंट से सहमत नहीं होते। उनको लगता है यह एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई है, हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए वो लोग उस परिवर्तन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये परिवर्तन नहीं हो सकता, पहले जैसा रहना चाहिए, इससे हमारी नौकरी, हमारा वेतन, हमारी मजदूरी खतरे में है। अगला है टेकिंग चेंज इन इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। कभी कभी परिवर्तन जब किया जाता है तो उसमें हम बाहर से जब लोगों को बुलाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। वजह कैसे होती है? सम एम्प्लॉइज टेक एनी चेंज एज इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड अपॉन देम। कभी कभी कर्मचारियों के ऊपर बाहरी यदि दबाव डाल दिया जाता है और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने किसी प्रकार के परिवर्तन से ना हो, बल्कि ऐसा परिवर्तन किया गया जिसकी वजह से उनके पास वर्कलोड बढ़ गया हो या उनको बाहर से आउटसाइड ज्यादा दबाव डाला गया हो, यानी बाहरी दबाव भी उनके विरोध का कारण बन जाता है। दिस हैपेंस पार्टिकुलरली व्हेन चेंज इज ब्रॉट अबाउट एब्रप्टली, यानी जब परिवर्तन बिना मतलब बिना वजह से हो और उससे वर्करों के ऊपर प्रेशर काम का दबा दिया जाए या उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा पड़ जाए तो वह उसका विरोध करते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर वर्करों से सलाह न ली जाए तो वर्कर लोग इसका विरोध करने लगते हैं। यह कारण है दूसरा सोशल रीजंस का। अदर कंसिडरेशन, कुछ अन्य प्रतिफल भी है इसके। सम एम्प्लॉइज में कंसाइडर एवरी चेंज इन द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंपनी इटसेल्फ रादर देन देम। देयर फेलो वर्कर्स आर इवन द जनरल पब्लिक, हेंस देयर रेसिस्ट द चेंज। यहां पर यदि वर्करों को ये लगता है कि जो भी परिवर्तन हुआ है इससे मैनेजमेंट को तो बहुत तगड़ा फायदा होगा लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होगा, तो वे ऐसी परिस्थिति में उस परिवर्तन का प्रतिरोध यानी विरोध करने लगते हैं। उनको जब महसूस होता है कि यह उनके हित में नहीं है, तो यहां पर आपने पढ़ा आखिर परिवर्तन क्यों होता है और दूसरा पढ़ा परिवर्तन का प्रतिरोध क्यों होता है।
अब हम बात करेंगे इसको किस तरह से दूर किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनेशन में यह प्रश्न हर बार देखने को मिलता है, वो भी 15 मार्क्स में। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस परेशानी को दूर कैसे किया जाए। स्टेप्स टू बी टेकन बाय मैनेजमेंट टू ओवरकम द रेसिस्टेंस ऑफ चेंज। आखिर ऐसे कौन से हैं कदम जो उठाने चाहिए इस परिवर्तन को, प्रतिरोध को रोकने के लिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो और कर्मचारियों के द्वारा उसका प्रतिरोध किया जाए तो उसको कैसे रोका जा सके, इसके लिए सबसे पहला रीजन है। पहला रीजन क्या, यूं कहिए कि पहला निवारण है, पहला इस परेशानी को दूर करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब हुआ एम्प्लॉयज से भागीदारी, अर्थात कर्मचारियों की सहभागिता। इसमें जब भी कोई परिवर्तन किया जाए तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वह एम्प्लॉयज से कंसल्ट जरूर करें, और अगर कंसल्ट करेंगे तो एम्प्लॉयज भी उससे प्रसन्न होंगे। दूसरा कारण है प्लानिंग फॉर चेंज। जब इस प्रकार की कभी भी चेंजिंग की जाए तो यहां पर लिखा है प्लानिंग फॉर चेंज, यानी कि जब भी चेंजिंग की जाए एक अच्छे तरीके से प्लान किया जाए, एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग की जाए, उसके बाद परिवर्तन किया जाए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी वर्कर विरोध में खड़ा ना हो, ना ही किसी के बारे में लॉस हो, ना ही किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस हो। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक लॉस, लॉस इन स्टेटस और पर्सनल डिग्निटी। इफ दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट टू चेंज विल बी वेरी लो। ऐसी परिस्थिति में मैनेजमेंट को यह चाहिए होता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा करे। अगर उनको किसी तरीके से लॉस है तो उसके बारे में व्यक्तिगत तौर पर उनके किसी भी अहम को नष्ट ना करे, उनको पूरी तरह से सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करे। चौथा कारण है इसको दूर करने का, मतलब तरीका है ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक रेफर्स टू द एवर चेंजिंग इंट्रैक्शन एंड एडजस्टमेंट इन द म्यूचुअल परसेप्शंस एंड रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप्स सच ग्रुप्स इंट्रैक्शंस आर द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट व्हिच फैसिलिटेट्स आर इनहिबिट एडाप्टेशंस टू चेंज। इसका मतलब होता है क्योंकि परिवर्तन ग्रुप डायनामिक परिवर्तन होता है, यानी कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर लेकर चलना होता है, इसलिए सबका एडजस्टमेंट सबके बारे में सोच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी प्रकार का मेंबर जिसका रिलेशन अगर हमने सही नहीं बनाया है और उसको हमने ध्यान नहीं किया है और ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन किया है तो वह उसका विरोध जरूर करेगा, इसलिए जरूरी है कि सभी के इंट्रैक्शन को मजबूती से बनाया जा सके, जो कि बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उस चेंज को एडॉप्ट कर सकते हैं। अगला होता है कॉशंस एंड स्लो इंट्रोडक्शन। कभी कभी हमें सावधान रहना पड़ता है कि आखिर द मैनेजमेंट शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंज एट वंस एंड एडरप्टली। इसका मतलब है मैनेजमेंट को कभी भी किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक परिवर्तन करने से ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जब पता नहीं होता है तो उसका विरोध स्वाभाविक है कि जरूर होगा। इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव फॉर द मैनेजमेंट टू बिल्ड इन हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड अवेयरनेस टू चेंज एंड एन एबिलिटी टू फोरकास्ट इट एंड ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट एन एटीट्यूड ऑफ वेलकमिंग चेंज। चेंजेज मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स, इफ पॉसिबल द रिजल्ट्स मस्ट बी रिव्यूड एंड रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन इट। यहां पर इसका मतलब होता है कि हमें सावधानी से स्लो इंट्रोडक्शन करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, एकदम से अचानक ना हो, उसके बारे में उसका फीडबैक, उसका रिस्पॉन्स स्लो स्लो
करके लेना चाहिए। इसका मतलब है आराम से धीरे धीरे परिवर्तन करें और उस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जरूर चेक करते रहें, उसका रिजल्ट ही फायदेमंद होगा। यदि अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा तो वह नुकसानदायक हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, जब भी मैनेजमेंट को चाहिए कि वह किसी प्रकार की पॉलिसी को बदले तो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन को अपनाना होगा। निगेटिव जो होता है वो हमेशा रेसिस्टेंट करेगा यानी विरोध करेगा, अर्थात यह जरूरी है कि कोशिश किया जाए मैनेजमेंट के द्वारा कि वह किसी भी इम्प्लॉयज के जॉब को, किसी भी इम्प्लॉयज के फ्यूचर को, उसके वर्क को, मजदूरी को प्रभावित ना करे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उस इम्प्लॉयज को उसके हितों की रक्षा की जाए जिससे उसे किसी प्रकार से अपने जॉब पर, अपने फ्यूचर पर ऐसा महसूस ना हो कि वह कहीं न कहीं लॉस में इस परिवर्तन की वजह से हो रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन का विरोध उस वर्कर से होने लगेगा, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से क्या एम्प्लॉयज के ऊपर किसी प्रकार का अप्रिय प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद आता है शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ चेंज। इसका मतलब होता है यदि हमने कोई परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ है तो उस फायदे को सभी में शेयर करना जरूरी है। यदि इम्प्लॉयज को लगेगा कि इसके परिवर्तन से, ऑर्गेनाइजेशन के परिवर्तन से, ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन से कुछ भी फायदा ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है तो उसको मुझे क्या मिला, इसलिए उस फायदे से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फायदा होता है उसका बेनिफिट इम्प्लॉयज में भी बंटना चाहिए। यदि वो इसको प्राप्त करेंगे तो वे इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां आपने पूरा रेसिस्टेंट प्रोसेस पूरा समझा है, रेसिस्टेंट बाय इम्प्लॉयज समझा है, और यहां पर उसके रीजंस पढ़े हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े हैं। तो आपने यह 15 नंबर का प्रश्न पढ़ा है, इसको दोबारा सुनेंगे और अच्छी तरह से इसको जरूर याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन में बहुत बार इसको देखा गया है और यह आप इस बार फिर देखेंगे। फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।